आप हमारे भी लल्ला का नामकरण कर दो ना। पुत्री ये क्या कह रही हो तुम? विनती कर रही हूँ और मेरी जे आग्रह अस्वीकार मत ही करो आप। दोनों भाइयों का नामकरण एक साथ हो जाएगा। कितने प्यारे और निर्दोष बालक हैं। दोनों को देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये क्या कर रहे हैं ऋषिवर? संभालिए अपने आप को, नहीं तो मेरा रहस्य खुल जाएगा आज। अरे ऋषिवर, हाथ मत जोड़िए। इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए, अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए, मैंने ये अवतार मैया और लल्ला के अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा। अब आप सब कुछ जान चुके हैं ऋषिवर, इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर आप मौन क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक है ना? अब तो आप हमारे लल्ला का नामकरण करोगे ना? इन दोनों का नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री। परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही स्वामी का आग्रह होगा ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि हैं। इन्हें कंस के अत्याचारों के बारे में अवश्य पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक माँ के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर यह छुपकर करना होगा। आप दोनों को स्वीकार तो है ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्वीकार है गुरुदेव। तो फिर कहाँ करना है हमें नामकरण का प्रबंध? गुरुदेव, मंदिर सही रहेगा? उससे पवित्र स्थान तो हो ही नहीं सकता है।
ऋषिवर आप तनिक विश्राम कीजिए, हम लोग प्रबंध करते। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब अपनी मां को छोड़कर दूसरी मां के यहां पलना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के इतने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप, और जिस उत्सव में सभी सप्तऋषियों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बन कर आना चाहिए, उस नामकरण उत्सव को यहां एकांत में करना पड़ रहा है। क्यों प्रभु, इतने कष्टों को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए। पर इसके लिए इतने कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे ऋषिवर। मानव जीवन की आंच जला रही है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, ये कैसा अनोखा अवतार है। आंच में जलकर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूंगा मैं? आज एक कंस का प्रकोप है, भविष्य में सहस्रों कंस होंगे और आने वाले युगों में होंगे अनगिनत कंस। उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कष्टों को कैसे सहना है और धर्म के पथ पर अडिग कैसे रहना है। आप धन्य हैं प्रभु। देखा अस्ति, जब सिंह दहाड़ता है तो वन के सभी जीव जंतु इकट्ठे हो ही जाते हैं। वो सब जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिंहासन पाना चाहते हैं सामने आए। बुद्धि के बिना बल अपंग होता है महाराज, और मेरे पास बुद्धि और बल दोनों हैं। आप केवल आदेश दीजिए किसका संहार करना है। सारी तैयारी हो गई। बोलो। आप गुरुदेव को बुला लो, मैं रोनी जीजी और बालकों को ले आती हूँ। यशोदा, तुम रुष्ट तो ना हो ना मुझसे। मैं भला रुष्ट क्यों होने लगी? नहीं, तुम जो उत्सव बड़े धूमधाम से करना चाहती थी और बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि हमारे लल्ला का नामकरण स्वयं ऋषि गर्ग पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। मैं समझ गई, उत्सव बड़ा हो या ना हो प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए। अरे मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि दोनों भाइयों का नामकरण आज के शुभ मुहूर्त पे हो रहा है। तो इससे पहले जो बीत जाए, जाओ आप ही बुला लो। यहाँ सब के सब एक से बढ़कर एक है, तो फिर अपने कार्य के लिए किसका चुनाव सबसे पहले करूं? मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखा ही नहीं महाराज, चुटकी बजाकर शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं मैं। वाह, किंतु आपने तो बताया ही नहीं कि करना क्या है। वध, वध करना है, एक नवजात बालक का वध।
उसे साधारण बालक मत समझना। गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विष्णु का अवतार है। क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों छा गया? क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं नन्हे बालकों के साथ हिंसा नहीं करता। कृष्ण अवतार बड़ा छलिया है महाराज, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। जाने दो इन्हें, वैसे भी इस सिंहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। जाने दो। दुर्जय, क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि वो मृत्यु मृत्यु से टक्कर ले जाए। वही होगा इस सिंहासन का असली अधिकारी। महाराज, ना तो आपके दिए इस सम्मान का कोई मूल्य रह गया है और ना ही आपके भय का। अभी अभी आपने ही कहा था ना कि जब वन में कोई सिंह दहाड़ता है तो उस वन के सभी जीव जंतु एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, परंतु उसी वन में जब कोई बब्बर सिंह दहाड़ता है तो वही जीव जंतु भय के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बब्बर सिंह बन चुका है। उसका भय हमारे साम्राज्य की नींव हिला रहा है महाराज। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे माँ सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है? जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो। इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श न्याय संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा, इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम। बलराम, बलराम।
फलदा। तो फिर उसका नाम बल बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है रिसीवर। जब इसके जन्म की सूचना देने मैं वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था, तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, बलराम। ये संयोग नहीं, नारायण की इच्छा है नंदराज। बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें, बलदाऊ। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम। बलराम, 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 बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दियो है आपने से। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो। ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु, इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क क बना है कमलकान से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो।
री, री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श, ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना, ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा, वो नाम है कृष्ण, वो नाम है कृष्ण, वो नाम है कृष्ण, वो नाम है कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा, वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया। पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम। इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.